हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइनो गेमर जोन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की एक सर्वाइवल सीरीज। वो भी अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे एक करीबी मित्र होंगे जिनका नाम है ओपी गेमर। वैसे तो हम लोग इन्हें देव भाई कहते हैं, लेकिन गेम में उनका नाम तो ओपी ही है और वो सच में ही ओपी बंदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये नई सर्वाइवल सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ये क्या, हमारे ओपी भाई विलेज में आते ही आरम गोलम से पंगे लेने में लग गए। इनको नहीं पता है कि आरम गोलम की 2 मिनट में छुट्टी कर देगा। आयरन गोलम को मारते ही आयरन गोलम इनके पीछे पड़ गया और मैं आयरन गोलम को पीछे से मारने लगा। जैसे वो डायलॉग है ना कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। One eternity later. ए मर जा यार। खैर आखिरकार मर ही गया आयरन गोलम हमारा। ये ए ओपी भाई सुनो सुनो सुनो, तू पागल है? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। दोस्तों सच सच बताना, ओपी भाई का चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने मछली खाकर दूध पी लिया हो। चलिए मैं चलता हूँ विलेज में थोड़े रिसोर्सेज इकट्ठा करने। और ये हमारे ओपी भाई प्लान को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई टूल्स है नहीं, तो मुझे हाथ से इस पेड़ को तोड़ना होगा। तो चलिए मैं तोड़ता हूँ इस पेड़ को। और मेरे यहाँ हंगर बार भी कम हो गया है, तो मुझे जल्द से जल्द इन्हें बेल्स का ब्रेड बनाना होगा जिससे मेरे हंगर बार कम हो जाएगा, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। अब मैं जमीन पे गिरे हुए ओक ब्लॉक्स को इकट्ठा करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे ओपी भाई ये बेल तोड़ने में लगे हुए हैं। लगता है इन्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अब हमने डिसाइड किया कि हम इस विलेज के पास ही कहीं अपना घर बनाएंगे, क्योंकि इस विलेज में अब कुछ बचा ही नहीं है। ओपी भाई और हमने मिलकर पूरे विलेज और विलेजर की ऐसी तैसी कर दी। अब रात होने वाली थी तो मैं चला गया विलेज में बेड लेने, क्योंकि अब विलेज में कोई बचा ही नहीं तो उनपे सोएगा कौन। तो एक जिम्मेदार माइनक्राफ्ट प्लेयर होने के नाते ये मेरा ही फर्ज बनता है कि इन बेडों का मैं ही यूज करूं। तो मैं यहाँ से एक बेड उठा लेता हूँ और बाहर चला जाता हूँ सोने के लिए, जहाँ हमारे ओपी भाई सोने के लिए फील्ड को साफ कर रहे हैं। वेरी गुड ओपी भाई। चलिए ओपी भाई जल्दी से बेड लगाइए, नहीं तो अभी आपकी गर्लफ्रेंड आती ही होंगी आपसे मिलने। ये क्या बात करता है यार। हाँ ये जगह सही है, चलिए बेड लगाते हैं और सोते हैं खुले आसमान में सितारों को देखते हुए। पहला दिन तो बिना मरे इस वर्ल्ड में काट लिया है, पर हमें क्या पता था अभी हमारी सामत आने वाली है। देखते जाइए आगे क्या होता है हम लोग के साथ। अभी हम चलते हैं थोड़ा पेड़ काटते हैं, क्योंकि आगे हमें गेम में लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो लेकिन लकड़ी तोड़ने के लिए मेरे पास तो एक्स है नहीं, और एक्स बनाने क्राफ्टिंग टेबल लगती है, और क्राफ्टिंग टेबल आपके पास है ओपी जी, तो लाइए क्राफ्टिंग टेबल नीचे दीजिए। अरे मार क्यों रहे हैं, क्राफ्टिंग टेबल दीजिए, ये बंदा पागल है। थैंक यू भैया क्राफ्टिंग टेबल देने के लिए, पर ऐसे मारा मत कीजिए ना, जान रहे हैं आपके पास हथियार है तो हमको मारेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आप एक एक्स और एक पिकेक्स बना लेता हूँ, नहीं तो ये फिर से मुझे मारने लगेंगे। चलिए मेरे टूल्स तो बन गए, अब चलता हूँ मैं इस फूड को काटता हूँ, लेकिन इससे पहले इस क्राफ्टिंग टेबल को रख लेता हूँ। नहीं छोड़िए, इन्हीं के पास रहने दीजिए, मैं वुड पे फोकस करता हूँ, अपना नया बना लूंगा मैं, नहीं तो पता चले इसके लिए भी मुझे मारने लगे। इकट्ठा करने के बाद अब मैं चलता हूँ विलेज में, क्योंकि विलेज के पीछे एक माउंटेन है और मैंने शायद वहाँ पर एक केव देखी थी। तो देखते हैं वहाँ केव है या नहीं, अगर केव होगी तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केव में रिसोर्सेज आसानी से मिल जाती हैं। तो हम दोनों लोग चल दिए केव की तरफ, हमने भी यही सोचा था कि हमें बहुत आसानी से रिसोर्सेज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला था। सबसे पहले हम केव के पास पहुंचते हैं तो हमें सामने कोल दिखता है। यहाँ पहुँच कर हम लोग सोचते हैं क्यों ना अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ स्टोन की तो कमी थी नहीं, तो हम लोग चल दिए स्टोन को तोड़ने। हमारे ओपी भाई जिनका नाम देव है वो आगे चले जाते हैं स्टोन तोड़ने, और मैं यहीं पे थोड़ा सा स्टोन तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा स्टोन की तो जरूरत है नहीं, बस एक पिकेक्स और एक्स बनानी है। हमारे ओपी भाई तो सच में ओपी निकले, टूल्स बनाने के लिए अपने साथ प्लैंक्स ही नहीं लाए। ये तो उनके साथ मेरे जैसा एक भला इंसान था, तो मैं उन्हें कुछ प्लैंक्स दे देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने साथ क्राफ्टिंग टेबल भी लाया है। चलो मैं ही बना लेता हूँ, मेरे पास कुछ ओक ब्लॉक्स थे तो मैं उन्हें प्लैंक से बनाकर कुछ क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ।
जैसे ही मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल बना के इनके सामने रखता हूँ तो ये भी आप पता नहीं कहाँ से अपनी इन्वेंटरी से क्राफ्टिंग टेबल निकाल लाते। अब तक कहाँ था आपकी ये क्राफ्टिंग टेबल सर जी? मन तो कर रहा है यहाँ से आपको नीचे ढकेल दो। मंगोल है क्या आप एक नंबर पे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलिए बनाइए अपना टूल्स। सबसे पहले मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को अपने साथ नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि देव भाई तो अपने साथ कुछ लेके चलेंगे नहीं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह, क्योंकि ये वीआईपी आदमी क्यों सही कहना देव भाई, चलिए नीचे चलते हैं देव भाई। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे आयरन पे और है, मैं तोड़ लेता हूँ। अरे मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मेरे पास जब पिकैक्स है स्टोन की, अरे मेरे पास स्टोन की पिकैक्स है। हाँ चलिए मैं स्टोन की पिकैक्स तोड़ लेता हूँ इसको। अरे हट जाइए सामने से, तोड़ने दीजिए। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। अब चलिए इसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अरे देव भाई चलिए आप ही ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगा कहीं और से। ये एरिया कुछ अच्छी लग रही है मुझे माइन करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ क्या मिलता है मुझे, काश कुछ अच्छी लूट मिल जाए यहाँ पर। अरे लूट को मारो गोली, वहाँ पे साथ साथ यमराज खड़े थे हमें ऊपर ले जाने के लिए। मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे अब लूटने। बस हवा निकल गई। मैं जल्दी से भाग के केव से बाहर आता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि ये जो सामने मुझे कोल दिख रहा है इसको पहले तोड़ूंगा, टॉर्च बनाऊंगा, फिर ही नीचे अंधेरे में जाऊंगा, क्योंकि भाई अंधेरे में भाई इतने ज़ॉम्बी होंगे मेरी तो फटके चार हो जाएगी। ऑलरेडी फटके चार हो गई है, अब फटेगी तो आठ हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं इस कोल को तोड़ लेता हूँ और अपने लिए टॉर्च बना लेता हूँ। जल्दी जल्दी मैं कोल को माइन करके बाहर आता हूँ और फटाफट मैं उसका टॉर्च बना लेता हूँ। बनते तो केवल आठ ही हैं, लेकिन कुछ देव जी को भी देना पड़ता है मुझे, तो मैं उन्हें तीन टॉर्च दे देता हूँ। खैर वो भी क्या याद रखे, किस दानवीर आदमी से पाला पड़ा था मैं। लीजिए देव भाई आपको मैं तीन टॉर्च दे देता हूँ मुफ्त में, ले जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। जल्दी चलते हैं केव में नीचे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जहां तक तो मुझे लगता है कि अब तक तो जॉम्बीज की बारात नीचे आ गई होगी और हमारे स्वागत में इंतजार कर रही होगी। चलिए देखते हैं, डरते थोड़ी ना है। ओ ये क्या हो गया, वाटरफॉल ने मुझे नीचे पटक दिया और आते ही मुझे डैमेज दे दिया। खैर चलिए तब तक मैं टॉर्च लगा देता हूँ चारों तरफ ताकि उजाला हो जाए और जॉम्बीज स्पॉन ना हो। सच कहूँ तो यहाँ हमारी बहुत फट रही थी, क्योंकि यहाँ जॉम्बीज की चारों तरफ से आवाज आ रही थी और दिख भी रहे थे साले। यहाँ कुछ मुझे आयरन की ओर दिख जाते हैं, लेकिन पीछे से बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, तो मैं सीधे भाग के अपने देव भाई के मतलब ओपी भाई के पास चला जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ, भाई देखिए पीछे बहुत सारे जॉम्बीज आ गए हैं। तो वो सीधे भागते हैं उनके तरफ। ये तो काफी बहादुर निकले, मैं तो इनको डरपोक समझ रहा था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला, देव मानुष निकला। चलिए देव भाई लेकिन क्रीपर से बच के देखिएगा, ये कभी फट सकता है। लेकिन चलिए ये तो बढ़िया किया हमारे लिए, अपने जाते जाते पूरे जॉम्बीज को भी मार के चला गया। चलिए रास्ता साफ हो गया है तो मैं इन आयरन ओर्स को जल्दी से माइन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई जॉम्बी आ जाएगा साला परेशान करने हमको। चलो आयरन माइन तो कर लिया, हम चलते हैं। और देव भाई क्या कर रहे? अरे देव भाई पीछे देखिए स्पाइडर आ गया आपके पीछे, चलो मैं मार देता हूँ इसको। ओ, 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 बचाओ बचाओ बचाओ, मार रहे हैं मुझे क्या दे भाई, कहाँ आपका ध्यान कहाँ है? लग रहा है ये लड़की देख रहा है, इसमें गुफा में लड़की नहीं मिलने वाली है आपको, क्रीपर भले मिल जाएगा। देखिए मिल गया क्रीपर। मैं अब आगे नहीं जाने वाला, इतना अंधेरा है, ऊपर से मेरी टॉर्च भी खत्म हो गई, पता चला कोई आगे फिर फट गया मेरे आगे पीछे क्रीपर, तो इसलिए भैया मैं वापस ही चल पड़ता हूँ। यहाँ ओपी भाई अपने साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे, तो मैं अपने ब्रेड में से इनको कुछ ब्रेड दे देता हूँ। क्या ओपी भाई ऐसे चलेगा? मतलब ना क्राफ्टिंग टेबल ना खाना, सब मेरे भरोसे रहेंगे, मैं ना रहूं तो आपको क्या होगा, आप तो भूखे मर जाएंगे। मैंने अपने इन्वेंटरी में देखा कि मेरे पास कुछ अच्छे खासे कोल पड़े हुए थे, तो मैं तुरंत उसका टॉर्च बना लेता हूँ। टॉर्च बनाकर मैं चल पड़ता हूँ रोशनी करने, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा था और जॉम्बी स्पॉन पे स्पॉन हुए जा रहे थे। हाँ हमारे ओपी भाई को एक क्रीपर दिख जाता और ये चले जाते उससे फाइट लेने। ये तो भला हो कि मैं उनके वहाँ पहुँच गया और उसे मार दिया, नहीं तो वो ब्लास्ट होकर इन्हें ही फाड़ देता।
अब देखिए यहाँ क्या होता है, पता नहीं कहाँ से ऊपर से स्पाइडर गिरता है, मेरे पीछे पड़ जाता है, मैं स्पाइडर को मार रहा हूँ और पीछे से जॉम्बी मुझे मार रहा है। ये तो भला हो ओपी जी का जिन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे जॉम्बी ने तो मार ही देना था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू ओपी जी, आइए आपको एक जोरदार पप्पी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप सीरियस हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए ऐसा मत कीजिए, हमारे व्यूअर्स के ऊपर गलत इम्प्रेशन जाएगा। यहाँ कोई दोस्ताना नहीं चल रही है, माइनक्राफ्ट चल रहा है, ठीक ना? तो अपनी भावनाओं पे जरा कंट्रोल रखे तो अच्छा होगा। हम यहाँ फ्री होकर टॉर्च लगाने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम अभी केव में हैं और केव में हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो मैं यहाँ टॉर्च लगा ही रहा होता हूँ कि मेरे पीछे एक स्केलेटन अटैक कर देता है। ये तो भाई ओपी भाई हमारे साथ हैं तो उन्होंने स्केलेटन को मार दिया, लेकिन मारते हैं तो उसी के साथ उनके पास एक क्रीपर पड़ जाता है तो उनका हेल्थ एकदम डाउन हो जाता है और स्पाइडर से भाग के वो चले जाते हैं ऊपर। तो मैं स्पाइडर को मारने लगता हूँ, ये तो देखिए स्पाइडर मुझे इतना डैमेज देता है कि मैं जस्ट एक एचपी पे बचता हूँ। इस तरह बाल बाल बच जाता हूँ और तुरंत एक टॉर्च लगा कर रोशनी कर देता हूँ जिससे फिर कोई जॉम्बी या स्केलेटन स्पॉन ना हो। और यहाँ देव भाई मुझसे कुछ ब्रेड के लिए पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ब्रेड है, लेकिन मैं बात बात में ये भूल जाता हूँ कि मेरे पास हेल्थ बहुत कम है और पीछे से कुछ जॉम्बी आ जाते हैं जिनसे मैं फाइट लेने चला जाता हूँ, क्योंकि देव भाई तो अकेले ऊपर चले गए तो मैं अकेला पड़ गया था और मैं भूल जाता हूँ कि मेरी हेल्थ एकदम खत्म है और मैं फाइट लेने लगता हूँ। तो एक जॉम्बी को मैं पीछे धकेलता हूँ लेकिन पीछे वाला जॉम्बी आके मुझे एक डैमेज दे देता है और मैं मारा जाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं यहाँ विलेज में स्पॉन हो जाता हूँ और मेरा पूरा सामान नीचे केव में रह जाता है। तो मैं तुरंत भाग के जल्दी से केव की तरफ जाता हूँ और मैं यह ध्यान नहीं देता हूँ कि हमारे ओपी भाई भी मारे जा चुके हैं कहीं ऊंचाई से गिरकर। मैं जैसे ही केव की एंट्री पहुंचता हूँ तो पता नहीं पीछे से कहाँ स्केलेटन आके मुझे एक शॉट मार देता है, लेकिन फिर भी मैं तुरंत भाग कर केव की एंट्री में घुस जाता हूँ और इस वाटरफॉल का सहारा लेते हुए नीचे कूद जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुझे डैमेज मिल ही जाता है। मैं जैसे ही नीचे पहुँचता हूँ तो मैं यहाँ नीचे गिरे हुए सामानों को उठा लेता हूँ, ये शायद हमारे ओपी भाई का सामान होगा। यहाँ मुझे ब्रेड भी मिल जाती है और मैं इसे खाकर अपनी हेल्थ को फिर से रिगेन कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से गिरकर मेरी हेल्थ खत्म हो गई थी। मुझे यहाँ एक बेड मिल जाता है और मैं इस बेड को लेकर तुरंत जल्दी से रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सामने कुछ सामान गिरे हुए दिख जाते हैं तो मैं तुरंत उनको लेने के लिए चल देता हूँ। और शायद यही मेरी एक गलती थी, क्योंकि मैं इनको सामान तो ले लेता हूँ लेकिन इनमें कोई खास मिलता नहीं, कुछ कोल मिलते हैं और एक पिकेक्स मिलती है। और मैं इस पिकेक्स को जैसे ही लेके घूमता हूँ तो एक जॉम्बी मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है और मेरी फट अच्छा हो जाती है। और मैं पीछे देखता हूँ कि मेरे पीछे स्लाइम भी लगे हुए हैं तो मेरी फटी हुई और फट जाती है। और मैं तुरंत भागकर अपने बेड के पास पहुँचता हूँ, इसे तोड़ता हूँ और मैं जल्दी से टावर अप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने से एक छुटकू आकर मुझे ढकेल देता है और मैं तुरंत भागकर वाटरफॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन गिर जाता हूँ। यहाँ मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गया था, लेकिन मेरे पास कुछ प्लैंक्स थे तो मैं अपने लिए कवर बनाने की कोशिश करता हूँ और जल्दी से मैं अपने लिए कवर बना भी लेता हूँ। खैर मैं जल्दी से अपना कवर बनाता हूँ और जल्द ही मेरा कवर बन भी जाता है। खैर किसी तरह मैं बच गया। यहाँ मैं जल्दी से अपने इन्वेंट्री से अपनी बेड को निकाल कर सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही जॉम्बीज थे आसपास हमारे तो मैं सो नहीं पाता हूँ। तो मैं इसे जल्दी से कवर करता हूँ और अपने इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करने की सोचता हूँ। तो मैं अपने इन्वेंट्री से एक पिकेक्स निकालता हूँ और जल्दी से खुदाई शुरू कर देता हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं इस एरिया को बड़ा करता हूँ जिससे मैं जॉम्बीज के रेडियस से बाहर आ जाऊँ, अपना बेड लगाकर अब सो सकूँ। शायद इतना बड़ा एरिया मेरे सोने के लिए काफी होगा, तो देखते हैं बेड लगाकर मैं सो पाता हूँ या नहीं और नाइट स्केप हो पाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं बेड लगाकर मैं सो पाता हूँ कि नहीं। ओ थैंक गॉड, अब मैं सो सकता हूँ और ये नाइट स्केप हो पाएगी। खैर सुबह हो गई और सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपने बेड को तोड़ता हूँ। तो मैं यहाँ के एक प्लैंक को तोड़ता हूँ और मैं बाहर का व्यू लेता हूँ तो मुझे कुछ जॉम्बी दिख जाते हैं, तो मैं इन्हें यहीं से मारने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लेकिन मार नहीं पाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा पास पहुँचता हूँ और मुझे एक क्रीपर दिख जाता है तो मैं डर के पीछे हट जाता हूँ। और फिर मैं पास जाता हूँ तो कुछ जॉम्बी आ जाते हैं और मैं इनको तुरंत मारने लगता हूँ। चलिए मैं इनको मारता हूँ जल्दी से, तब तक आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। यहाँ इतने सारे जॉम्बीज इकट्ठे हो गए हैं कि जैसा लग रहा है कि कोई जॉम्बी अपोकलिप्स आ गया है और मैं यहाँ का एक सर्वाइवल हूँ और फंसा हुआ हूँ। तो चलो मैं जल्दी से इन्हें मारने की कोशिश करता हूँ। इन्हें मारने में तो टाइम लगेगा ही थोड़ा सा। खैर यहाँ के सारे जॉम्बीज को तो मैंने मार दिया और चलिए बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेड खा लेता हूँ जिससे मेरी हेल्थ रिगेन हो जाए, नहीं तो पता चला मैं पिछली बार की तरफ फिर मारा जाऊँ। चलिए अब मेरा हेल्थ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और मैं चलता हूँ बाहर विलेज की तरफ, नहीं तो मैं फिर मारा जाऊंगा। ए छोटकुचर बाहर निकल, आ जाते हैं लोग।
Run. अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ ही रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ऊपर से हमारे देव भाई मतलब उर्फ ओपी जी गिरते हैं। शाबाश। वाह शाबाश ओपी भैया, क्या करते रहते हैं आप, पिए रहते हैं क्या आप, कौन सा चढ़ाते हैं बता दीजिए, हमको भी नशा। तो चलिए मैं इन ब्लॉक्स को लगा कर जल्दी से ऊपर चलता हूँ और मैं इनसे बात करता हूँ ये क्या हो रहा है। ओ ब्लॉक है, चलिए अब चलते हैं ऊपर। चल रहे कितने ब्लॉक्स है मेरे ऊपर, चलो मैं इसको तोड़ता हूँ फिर ऊपर चलता हूँ इनसे बात करता हूँ। आ गया मैं ऊपर देव भाई, फिर आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए आ जाइए बीच में। सुनिए मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे अब नीचे मत चलिए नहीं तो फिर मारे जाएंगे, हम लोग चलते हैं ऊपर। अब हमने यहाँ डिसाइड किया है कि हमारे औकात के बाहर है अभी केव में जाना, तो हम चलते हैं ऊपर। और अब डिसाइड किया है कि हम विलेज में जाकर पहले अपना घर बनाएंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।